once again, आज मैं आप लोगों के साथ क्रैब काली का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये नॉन वेजिटेरियन के लिए एक बहुत ही अपीलिंग डिश है। क्रैब मीट एक लो फैट मीट है, जिसे ब्राउन मीट भी कहा जाता है। इसका कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स का मात्रा काफी हाई है। ये हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन को डेवलप करने में सहायक है। सो लेट्स मूव टू माय मस्ट किचन टू प्रिपेयर क्रैब करी। क्रैब करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो करीब क्रैब लिए हैं। ये देखिए, स्केल में इसे मेजर करें तो ये आधा किलो से थोड़ा ज्यादा और 600 ग्राम से थोड़ा सा कम। फर्स्ट स्टेप में हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ी चम्मच अदरक पेस्ट, एक बड़ी चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ हम ऐड करेंगे एक से दो बड़ी चम्मच सरसों का तेल। अब इन सारी चीजों को क्रैब के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए, क्रैब हम मैरिनेट कर दिए हैं। अब स्टेप टू में हम कुकिंग करेंगे। एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें एक तेजपत्ता ऐड कर देंगे। दो हरी मिर्च ऐसे लंबे लंबे काट के ऐड करेंगे, और इसके साथ चार छोटी इलायची, चार लौंग और एक इंच स्टिक दालचीनी ऐड कर देंगे। 8-10 साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे। अब इन सारे चीजों को करीब 20 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अब हम कढ़ाई में प्याज ऐड करेंगे, और आधा किलो क्रैब में हम 100 ग्राम प्याज बारीकी से काट के ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को करीब 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमें रेड ब्राउन गोल्डन ब्राउन करके नहीं भूनना है, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। दो मिनट बाद हम कढ़ाई में एक बड़ा सा आलू ऐसे काट करके ऐड कर देंगे। आलू ऑप्शनल है, पर इस करी में आलू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम प्याज को आलू के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाता है। फ्लेम को हम मीडियम हाई पर ही रखे हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर ग्राइंड करके ऐड कर देंगे। टमाटर को हम अब प्याज और आलू के साथ भूनेंगे। जब तक टमाटर सूख ना जाए हम तब तक भूनेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को हाई पर रखेंगे। ये देखिए, टमाटर ड्राई हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेटेड क्रैब ऐड कर देंगे। दोस्तों, कढ़ाई में प्याज आलू टमाटर वगैरह फ्राई करते करते 15 मिनट हो ही गया है, मतलब क्रैब 15 मिनट के लिए मैरिनेट हो गया है। क्रैब को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। दोस्तों, क्रैब का कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसे ब्राउन मीट भी कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल्स भरपूर हैं। ओमेगा 3 पॉलीसैचुरेटेड एसिड्स के साथ ये एक लो फैट मीट है। हार्ट, ब्रेन और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका पॉजिटिव असर है। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और लो फ्लेम पर करीब 10 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। 10 मिनट बाद चम्मच से एक बार स्टेयर कर देंगे।
अब दोबारा हम कढ़ाई को ढक देंगे और 10 मिनट और पकने देंगे। तो अब तक टोटल 20 मिनट हुआ है। हम ढक्कन को दोबारा खोलेंगे और एक और बार अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर देंगे। और इस बार हम कढ़ाई में करीब 2 कप पानी ऐड कर देंगे। हम जिस कटोरी में मैरिनेट करके रखे थे उसी कटोरी में जो मैरिनेट मसाला लगा हुआ था उसी को धोकर हम पानी ऐड किए हैं। अच्छे से स्टेयर कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। इस गरम मसाला में छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च इक्वल क्वांटिटी में रोस्ट करके फिर पीस लिए हैं। अब 2 बड़े चम्मच बारीकी से काटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई को ढक देंगे और 10 मिनट और पकाएंगे। तो दोस्तों, हम क्रैब को टोटल आधा घंटा के लिए पकाए हैं। यहाँ पर ये देखिए, क्रैब करी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। आलू और क्रैब अच्छी तरह पक गया है। अब हम फाइनल स्टेप में जाएंगे। फाइनल स्टेप में हम 1 छोटी चम्मच चीनी और 1 छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे। घी के साथ क्रैब करी में एक बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। चीनी ऑप्शनल है, पर मैं चीनी ऐड करने के लिए भी रिकमेंड करती हूँ। अब फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई पर रखेंगे। कारी में उबाल आने देंगे। एक बार चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई को ढक देंगे और गैस बंद कर देंगे। सर्व करने से पहले कढ़ाई को ऐसे ढक कर रखें। अब हमारा डिलीशियस क्रैब करी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसे बनाना काफ़ी आसान है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। क्रैब करी को गरम गरम चावल या रोटी के साथ सर्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज की रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय मस्त किचन।